नागपुरी में एकादशी व्रत जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में होते हैं तो वहाँ एकादशी जब पड़ती है तो कितने निष्ठा से महाप्रभु एकादशी का पालन करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। एक दिन महाप्रभु गौरहरि गुंडीचा मंदिर से लौटने के उपरांत जगन्नाथ बलभद्र उपवन में बैठ गए। वहाँ बगीचे में बैठकर महाप्रभु दिन रात हरिनाम का संकीर्तन करते हैं एकादशी वाले दिन, क्योंकि एकादशी का अर्थ ही है भगवान के निकट वास करना। एकादशी आती ही इसलिए है कि हम इस दिन सारे कामों को छोड़कर सिर्फ भगवान के नाम का जप करें और कुछ नहीं। अगर हमें कुछ ऐसे जरूरी काम करने भी हैं तो या तो हम एक दिन पहले कर लें या फिर एक दिन बाद। एकादशी वाले दिन कोई कार्य नहीं, एकादशी वाले दिन सिर्फ और सिर्फ हरि नाम का जाप, भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन बस। एकादशी वाले दिन हम ना तो मार्केट जाएं, ना किसी से मिलें, ना किसी को अपने घर इनवाइट करें, कुछ नहीं। एकादशी इसलिए नहीं आ रही है, एकादशी इसलिए आती है कि आप देखें आपकी साधना में 15 दिन में क्या क्या कमियां थी, क्या कमी हो रही थी, कहीं कोई ढीली ढाली भक्ति चल रही थी। तो जहां कमियां हैं, जो प्रतिकूल कार्य कर रहे थे आप भक्ति के, उनको बंद किए जाए और अनुकूल कार्यों को बढ़ाया जाए, इसीलिए एकादशी आती है। तो एकादशी वाले दिन अन्य भौतिक कार्यों को या तो हम पोस्टपोन करें या फिर प्रीपोन। एकादशी वाले दिन कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान के नजदीक रहना, भक्तों के नजदीक रहना। तो एकादशी वाले दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र उपवन में बैठते हैं और दिन रात हरि नाम का संकीर्तन कर रहे होते हैं। उनके साथ उनके कुछ भक्त शिष्य भी होते हैं, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, विक्रेश्वर पंडित इत्यादि उनके साथ थे। तो वो भी महाप्रभु के साथ में वैसे ही एकादशी का पालन कर रहे होते हैं। महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दी होती है कि एकादशी वाले दिन आहार और निद्रा का त्याग करो। आहार नहीं करना, निद्रा भी नहीं लेनी, आहार और निद्रा का त्याग करके एकादशी का पूरा पूरा लाभ उठाओ। इस दिन भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करो। तो वो कहते हैं आप में से कुछ अपनी नियत मालाएं करें, कुछ माला का जाप करो, कीर्तन करो, और कुछ लोग भगवान गोविंद के कथाओं का गान करो, भगवान कृष्ण और बलराम की नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करो, इसीलिए एकादशी है। तो उनके कथनानुसार उनके शिष्य वैसे ही करते हैं, कुछ भगवान की का कीर्तन करते हैं और कुछ उनकी कीर्ति का गान कर रहे होते हैं, उनकी कथा का कीर्तन कर रहे होते हैं। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ गोपीनाथ आचार्य गुंडीचा मंदिर से प्रसाद लाए, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य सभी पुरी में थे। तो वहां से सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य गुंडीचा मंदिर से प्रसाद लेकर आते हैं, जिस प्रसाद में होता है चावल, सब्जियां, मिष्ठान, खीर, दही, छेना इत्यादि, ये सारी चीजें होती हैं उस प्रसाद में। तो उनके सामने चैतन्य महाप्रभु जी के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ जी प्रसाद को रख देते हैं और उनसे बोलते हैं ग्रहण कीजिए। तो जगन्नाथ पुरी में एकादशी वाले दिन भी एकादशी व्रत वो नहीं रखते, एकादशी वाले दिन भी वह जगन्नाथ जी का पूरा प्रसाद लेते हैं। देखिए व्रत हमारे लिए है एकादशी का, भगवान के लिए नहीं। भगवान को पूरा भोग लगता है, पूरा बनाया जाएगा, सब्जी, दाल, चावल, रोटियां, सब कुछ भगवान को पूरा भोग लगेगा। नियम हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं। तो पुरी में जब भगवान का भोग लगता है तो वहां के भक्तगण, वहां कुछ कुछ लोग उस प्रसाद को लेते हैं और कुछ एकादशी का पालन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी के सामने भी ये प्रसाद आता है गुंडीचा मंदिर से, तो चैतन्य महाप्रभु जी उस प्रसाद का आदर करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं और फिर से अपने जपा में लग जाते हैं, क्योंकि एकादशी का उन्हें पालन करना होता है, वो प्रसाद को नहीं ले सकते थे,
उस अन्न प्रसाद को। तो उनके जो शिष्य होते हैं वो भी ऐसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु करते हैं वैसे ही, जैसे वो कर रहे होते हैं वैसे ही वो भी करते हैं, प्रसाद को प्रणाम करते हैं और प्रसाद को उसको ग्रहण नहीं करते। लेकिन उन्हें एक संदेह होता है, वह महाप्रभु से पूछते हैं, हे महाप्रभु मेरे मन में एक दुविधा आ रही है, क्योंकि जैसे यह नियम है कि जगन्नाथ जी का जैसे ही प्रसाद देखा जाए उसको ग्रहण किया जाए, तुरंत ही उसको ग्रहण किया जाए, प्रसाद की अवहेलना ना की जाए, तो मैं बहुत ही दुविधा में हूँ, प्रसाद सामने है और मैं प्रसाद को नहीं लूंगा तो ये अपराध तो नहीं होगा, ऐसे वो भयभीत होते हैं और दुविधा में होते हैं। तो भगवान उन्हें उत्तर देते हैं, चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, एकादशी का पालन करना भक्ति में सेवा का एक अंग है, यदि कोई एकादशी का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी वाले दिन प्रसाद का आदर करना चाहिए तथा अगले दिन उसे प्रसाद पाना चाहिए। यानी कि अन्न प्रसाद का हम आदर कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के प्रसाद का उन्होंने आदर किया, लेकिन एकादशी वाले दिन प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे, दूसरे दिन जिस दिन पारायण समय होगा, पारायण करने के बाद हम उस एकादशी प्रसाद को लेंगे। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान द्वारा संतुष्ट हो जाना चाहिए, उसे किसी भी भौतिक प्रकार के भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए, यानी कि भगवान के नाम के द्वारा ही तृप्त हो जाना चाहिए, किसी भी भौतिक पदार्थ की हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए और प्रजल्पा से बचना चाहिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रजल्पा से बचना, कम से कम एकादशी वाले दिन तो प्रजल्पा से बचें, बाकी 15 दिन अगर हम प्रजल्पा से ना भी बच पाए तो एकादशी वाले दिन तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्रजल्पा से बचें, असत्संग ना करें। उसका सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग और हरिनाम का कीर्तन, जब ऐसा होगा तो खुद ब खुद हम असत्संग और प्रजल्पा से बचे रहेंगे। अभक्तों के संग का त्याग, अभक्तों के संग का त्याग करके ही एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं, अभक्तों का संग नहीं करना एकादशी वाले दिन। देखिए व्रत रहना आसान है लेकिन व्रत को ठीक तरह से रहना ये मुश्किल है, ठीक तरीके से रहना। एकादशी वाले दिन हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का गुणगान करना है। ध्यान पूर्वक सोचा तो प्रसाद का आदर करना तथा एकादशी का पालन करने के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है। यह जान लो कि यदि कोई व्यक्ति एक अंग को स्वीकार करे और दूसरे अंग की अवहेलना करे तो निसंदेह वह मूर्ख है। प्रत्येक व्यक्ति को काल स्थान व परिस्थिति के अनुसार भक्ति में सेवा के एक विशिष्ट अंग का गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए। नंद महाराज के पुत्र समस्त अंगों के स्वामी हैं, अतः कृपया उसका पालन करें और उनकी जिसमें उन्हें प्रसन्नता हो उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें। एकादशी पर प्रत्येक को आहार निद्रा का त्याग करना चाहिए और अगले दिन प्रसाद का आदर करना चाहिए, अगले दिन ही अन्न प्रसाद को लेना चाहिए। हो सके तो एकादशी वाले दिन हमें सिर्फ फल ही लेने चाहिए, फल लें, ज़्यादा है तो फल और दूध ले लें और अन्न कुछ नहीं। लेकिन अगर हम नहीं रह पाते हैं तो कोई बात नहीं, अन्न का त्याग करो, बाकी सब कुछ ले लो, कुट्टू ले लो और भी बहुत सारी चीज़ें उनको ले सकते हैं, सिर्फ अन्न नहीं लेना, दाल चावल अनाज गेहूँ ये सब नहीं लेना एकादशी वाले, इतना तो त्याग कर ही सकते हैं, इतना त्याग कीजिए और असत्संग से बचिए उस दिन, अभक्तों का संग मत कीजिए, क्योंकि अभक्तों का संग करेंगे तो हमारी निष्ठा में कमी आएगी, एकादशी के प्रति हमारी निष्ठा ढीली होगी, तो अभक्तों का संग नहीं करना, इस पर ध्यान देना है अच्छी तरह से। प्रत्येक व्यक्ति को काल स्थान व परिस्थिति के अनुरूप भक्ति में सेवा के एक विशिष्ट अंग का गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए, गंभीरता पूर्वक पालन। एकादशी का हमें निष्ठा और गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए। भगवान से इस प्रकार के कथन सुनकर समस्त वैष्णवों ने प्रसन्नता पूर्वक गोविंद के नाम का जप किया और उन्हें प्रणाम अर्पित किया।
स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय के नेतृत्व में उड़ीसा व बंगाल के समस्त भक्त प्रफुल्लित हो गए। देखिए, एक भक्त के कुछ प्रश्न पूछने पर सारे भक्तों को लाभ मिलता है। हो सकता है कोई प्रश्न हमारे दिमाग में ना आ रहा हो, लेकिन वह प्रश्न मेरा भी हो, होता है ना कभी ऐसा, हम श्रवण में बैठे होते हैं तो बहुत सारे भक्तों के साथ में हैं, लेकिन कोई प्रश्न किसी भक्त के द्वारा पूछा जाता है, वह प्रश्न मेरा भी है, लेकिन उस समय हमें ध्यान नहीं आ रहा, उस समय मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन भक्तों की कृपा से वह उस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है। तो सारे जो बंगाल के, पश्चिम बंगाल के जो भक्त होते हैं, वे सब प्रफुल्लित हो जाते हैं उन उन दामोदर जी, स्वरूप दामोदर जी और रामानंद राय की वजह से, क्योंकि उनके द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है वह सबके लिए लाभदायक है। तो एकादशी व्रत की निष्ठा स्वयं कृष्ण आते हैं, जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो भी अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि एकादशी व्रत कितना महत्वपूर्ण है। एकादशी वाले दिन अन्न में पाप का वास होता है। जितने पाप हम 15 दिन में कर नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं सकते जितने पापों के बारे में, उतने पाप हम अन्न खाकर कर लेते हैं एकादशी वाले दिन। तो एकादशी वाले दिन हमें अन्न का त्याग करना चाहिए। भगवान को भी पता है कि कलयुग के जीव बिना अन्न के, बिना खाए नहीं रह सकते, इतनी तपस्या कर ही नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, भगवान ने सिर्फ अन्न का ही मनाई की है, अन्न की मनाई की है, बाकी सारी चीजें खाइए। नमक भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नमक नहीं ले सकते। एकादशी में सेंधा नमक, व्रत का जो नमक होता है, वो भी ले सकते हैं। तो सिर्फ अन्न ही लेना, सारे व्रतों में सबसे ज्यादा सरल है एकादशी व्रत, और सबसे श्रेष्ठ है एकादशी व्रत। जो एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, जो एकादशी व्रत रह रहे हैं, उन्हें अन्य व्रतों को करने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। महीने में 2 एकादशी आती हैं, ये हमारे लिए दोनों एकादशी बहुत जरूरी है। 15 दिन में एक बार एकादशी व्रत रहना, जो वेजिटेरियन है उनको 15 दिन में एक बार तो व्रत रहना ही रहना चाहिए। तो हम सबके लिए एकादशी बहुत जरूरी है, शारीरिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। भगवान की प्रसन्नता के लिए सबको एकादशी व्रत का निष्ठा से पालन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन जब एकादशी की उत्पत्ति होती है, तब एकादशी वाले दिन अन्न में पाप का वास करता है। तो एक बार पाप बड़ा ही भयभीत होता है, वह भगवान के पास जाता है और कहता है, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई लेना नहीं चाहता, आपके द्वारा ही बनाया गया मैं हूं और आपके द्वारा बनाए गए पुण्य हैं, तो मुझे क्यों नहीं कोई पसंद करता। तो भगवान के पास जब कोई भी जाता है पूर्ण शरणागति के साथ, तो भगवान उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, तो भगवान उस पाप पुरुष की प्रार्थना को भी सुनते हैं। तो भगवान फिर उसे बोलते हैं कि ठीक है, तो एकादशी वाले दिन आप अन्न में वास करो, जो कोई अन्न खाएगा वह पाप को खाएगा। तो ऐसे करके भगवान ने ही ऐसा बोला था पाप पुरुष से, एकादशी वाले दिन आप अन्न में रहना। तो देखो, अन्न के एक एक कण में पाप का वास है, तो हम कितना एकादशी वाले दिन कितना अन्न खा जाते हैं, तो कितने पाप के भागीदारी बन जाते हैं। अभी तक कितनी एकादशियां थी जो हमने यूं ही ऐसे ही निकाल दी पाप खा खा के। जब खा रहे हैं पाप, कर रहे हैं पाप, और चाहते हैं हमारे जीवन में सुख की वृद्धि हो और दुखों का नाश हो, तो कैसे हो सकता है। कर रहे हैं पाप, खा रहे हैं पाप, देख रहे हैं पाप, क्योंकि आंखों को देखना भी वही पसंद है, तो सब कुछ चारों तरफ पाप ही पाप, और चाहते क्या है कि दुख ना आए, दुख का अंत हो जाए और सुखों में वृद्धि हो, तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। जब हमारे प्रत्येक कार्य
भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगे सदा, तभी दुखों का अंत हो सकता है, नहीं तो नहीं। दुखों का अंत तभी होगा जब सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगे। यहाँ तक कि जब आप हरिनाम का जाप भी कर रहे हैं तो वह भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भौतिक सुखों के लिए नहीं, भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं, भौतिक कामनाओं के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए जब ऐसे हम भगवान का नाम लेंगे तभी हमें पूरा पूरा लाभ मिलेगा। भगवान का नाम ले रहे हैं और मांग रहे हैं भौतिक सुखों को, भगवान का नाम यानी भगवान से जो अभिन्न है, भगवान हमारे पास आए, भगवान का नाम हमने लिया यानी कि भगवान हमारे साथ है, हमारे पास है, और हमने उनसे मांगा क्या, इन तुच्छ सुखों को। तो बिल्कुल ये वैसा ही है कि कीमत चुकाए कोहनूर हीरे की और लेकर आ रहे हैं मिट्टी। कीमत तो चुकाई हीरे की और लेकर आ गए मिट्टी, तो ऐसा सौदा सही है, घाटे का सौदा है ना। कीमत जब हम चुकाएंगे कोहनूर हीरे की तो क्यों हम मिट्टी लेकर आए, हीरे ही चाहिए ना। तो ये भौतिक कामनाएं जप के बदले में ये मांगना, भौतिक इच्छाओं को रखना, ये उस मिट्टी के समान ही है जो बिल्कुल बेकार। भगवान का नाम आपको बहुत कुछ देने वाला है। ये भौतिक कामनाएं तो बिल्कुल छोटी सी हैं, इस शरीर के नष्ट होते ही सब खत्म, लेकिन भगवान का नाम जो भगवान की प्रसन्नता के लिए लिया जाता है, खुद अपने लिए नहीं, जिससे भगवान प्रसन्न हो, भगवान को खुशी मिले, भगवान की इच्छा है इसलिए लिया जाता है, तो हम अपने प्रयोजन तक पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो हमें एकादशी व्रत का बहुत ही निष्ठा के साथ पालन करना है और नाम जप को भौतिक कामनाओं के लिए नाम जप ना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान की खुशी के लिए करना है, भगवान ऐसा चाहते हैं इसलिए करना है। इस मनुष्य जीवन का धर्म ही है हरिनाम का जाप करना, भगवान की सेवा करना, तो हमें अपने धर्म का पालन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।